हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर। शाही पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए तेल एक कटोरी, जीरा एक चम्मच, प्याज का पेस्ट 3 कटोरी, टमाटर का पेस्ट 3 कटोरी, मिर्च 2 चम्मच, हल्दी 2 चम्मच, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, इन सबका पेस्ट 1 कटोरी, नमक 2 चम्मच या स्वाद अनुसार, पानी 1 गिलास, मटर 1 कटोरा, किचन किंग 1 चम्मच, पनीर 1/2 किलो, रिफाइंड पनीर तलने के लिए दूध 1 गिलास, मक्खन 3 चम्मच, दही 1/2 कटोरी, मलाई 3 चम्मच, कटा हुआ धनिया गार्निश के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हमारा तेल गर्म हो गया है। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे जीरा। अभी हमारा जीरा गर्म हो गया है, अभी हमारा जीरा भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 कटोरी प्याज का पेस्ट, 3 कटोरी प्याज का पेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये प्याज का पेस्ट भुनने लगा है, कि भून के थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन होने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे 3 कटोरी टमाटर का पेस्ट। अब हमने इसमें प्याज के पेस्ट के साथ में टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया। अब इन दोनों को भूनने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा प्याज का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट दोनों अच्छी तरह से भुन जाए। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ताकि हमारा अच्छे से दोनों के दोनों भुन जाएंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे 1/2 लहसुन का पेस्ट। हमने इसमें एक कटोरी 1/2 लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और इसको भी भुनने के लिए थोड़ी देर के लिए चला देंगे और भुनने के लिए छोड़ देंगे। पेस्ट भुन चुका है, अब इसमें डालेंगे हम दो चम्मच लाल मिर्च, दो चम्मच हल्दी, और थोड़ा सा चला देंगे। पानी डालेंगे 1/2 गिलास, 1/2 गिलास पानी डाल दिया हमने इसमें, ताकि हमारा मसाला फूके नहीं। तो 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच नमक डाल देंगे, एक चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं।
चला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक टिफिन मटर और मटर को भी अच्छे से चला देंगे। तो हमारे मसाले के साथ में हमने इस मटर को डाल के चला दिया है। हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। पीसी हुई मिर्च का पेस्ट है, अब हम वो डालेंगे। टमाटर वगैरह सब पीसे हुए हैं, इसमें एक चम्मच पीसी हुई मिर्च का पेस्ट डाल देंगे ताकि इससे कलर अच्छा आ जाए। एक चम्मच किचन किंग डाल देंगे। अभी थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। अच्छे से चला दीजिए। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देंगे ताकि ये मसाला भुन जाए। हमने जो ये रखा था मटर का, मटर और मसाला सारा भुनने के लिए, तो हमारा मसाला भुन चुका है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारी ग्रेवी का। हम उसको चला के देख लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छे से मसाला हमारा भुन गया है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसमें डालते हैं पनीर ताकि हम पनीर को तल लेंगे। पनीर को हमें हल्का सा ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें इसको। हम पनीर हमारा हल्का सा फ्राई हो गया, हम इसको निकाल लेंगे। देखिए ये हमारा हमारा जो प्याज और टमाटर का पेस्ट था ये भी हमारा भुन गया है, और उसको भुनने में कम से कम आधा घंटा लगा है। आधा घंटे में भुन के ही ऐसे रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं एक ग्लास दूध और इसे अच्छे से मिला देंगे ताकि दूध टमाटर और प्याज की पेस्ट में अच्छी तरह से मिल जाए। इसे 5 मिनट तक चलाएंगे। ये आधा टिक्की मक्खन डालेंगे हम। आधा टिक्की मक्खन हमने इसमें डाल दिया है। 3 चम्मच 3 चम्मच मलाई, हम तीनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, इसे दूध मलाई और मक्खन हमने तीनों चीज़ें मिक्स कर दी हैं।
और तो थोड़ा चलाएंगे ताकि ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। देखिए हम तीनों चीज़ों को मिक्स कर चुके हैं, 5 मिनट तक हमारा भुन चुका है। इसमें डालते हैं आधा कटोरी दही और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिनट तक इसको भी थोड़ा सा मिक्स होने देंगे और चला देंगे। इसमें हम वो सामान डालेंगे जो पहले हमने मटर और मसाले को भुना था, अब इसमें हम वो सामान मिक्स कर देंगे। इसमें मिक्स मसाला और मटर डाल देंगे जो हमने पहले पेस्ट बनाया था। हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसमें डाल देंगे पनीर। पनीर को भी मिक्स कर देंगे। हेलो, देखिए अब हमारा ये पक के तैयार चुका है। अब हमने इसको 10 मिनट तक पका लिया। हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो हमने इसमें डाल दिया हरा धनिया और हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। थैंक यू। देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अब हमने सर्व कर लिया है। देखिए हमारा शाही पनीर देखने में कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है। तो अब इसे हमने इसे मटर पुलाव के साथ सर्व किया है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।